ये देखो भाई, सामने चाइना का जो है बुलेट ट्रेन, तो इसी में हम लोग अभी बीजिंग से शंघाई आए हैं। देख रहा हूँ, देखो भाई बड़ा मस्त दिख रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। यार तो अभी यहाँ के बजने वाले हैं 6:20 मॉर्निंग के, तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, शंघाई जा रहे हैं। तो अभी हमारा ट्रेन है 7 बजे, और यहीं पे पास में ही हमारा रेलवे स्टेशन है, 10 मिनट की दूरी पे घर से वॉक करते हुए जाएंगे। ओके, तो चलो फिर चलते हैं। चलते चलते मैं आप लोगों को यहाँ का बुलेट ट्रेन भी दिखाता हूँ और बाकी जर्नी भी दिखाता हूँ। सर लेट्स गो। और बेबी तो आराम से सो रही है, तो फिर उसको उठाते नहीं हैं, चलते हैं सीधे। और बेबी का देखभाल अभी 2-3 दिन के लिए इसके नाना नानी करेंगे, तो हम लोग अभी शंघाई में ही रहेंगे, 2-3 दिन घूमेंगे। तो अभी देख रहे हो भाई, 6:30 होने वाला है, अभी भी अंधेरा है, और हम लोग तो चल रहे हैं। मेरी वाइफ थोड़ी आगे आगे चल रही है, उसको बहुत जल्दी जल्दी रहते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों। तो ये रहा भाई यहाँ का रेलवे स्टेशन, पास ही पड़ता है हमारे घर के, और इधर से जाना है अंदर। चलो फिर, मेरी वाइफ सामने सामने चल रही। ये देखो भाई, इधर अंदर तो आ गए हैं, देखते हैं कहाँ से एंट्री है। यहाँ का रेलवे स्टेशन ऐसा है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है जैसे कि एयरपोर्ट में होता है ना, वैसा सिस्टम है। देखो पूरी तरीके से यहाँ पर होगा। चल लो भाई, ट्रेन के अंदर तो पहुंच गए अब। चलो भाई, फाइनली तो पहुंच गए हैं, अभी बैठ गए हैं अपने सीट में। अब थोड़ी देर में अभी निकलने ही वाली है ट्रेन। ये वाली जो ट्रेन है ना, स्लीपर क्लास, मतलब सिर्फ बैठने की व्यवस्था है, ऐसा है। हमारे यहाँ राजधानी एक्सप्रेस वगैरह नहीं रहता वैसे टाइप का, बट ये ट्रेन बहुत फास्ट चलती है भाई, ये बुलेट ट्रेन ही है भाई। यहाँ की जो ट्रेन है ना, इसकी सुविधा वैसे ही रहती है जैसे एरोप्लेन में नहीं रहता है, फ्लाइट में वैसी सुविधा रहती है। तो यहाँ का ट्रेन जो है थोड़ा बहुत हाई फाई रहता है, दिखाता हूँ। और सारी व्यवस्था और सुविधाएं सब फ्लाइट में रहता है, वैसी सुविधाएं रहती हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। इस अभी ट्रेन की स्पीड कितनी है पता है? 345 किलोमीटर पर आवर, 345 किलोमीटर पर आवर है 1 घंटे में, तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है भाई। इसी का नाम है बुलेट ट्रेन, बड़ा गजब की स्पीड है। इसे समाया हम लोग नाश्ता तो किए नहीं यार, इसी के कारण से जल्दी जल्दी बोली, फिर हम लोग बस फटाफट ले आए अगर, और पहुंच गए थे 15 मिनट पहले, नहीं तो फिर यहाँ पे स्टेशन में ख़रीदने का मन था नाश्ता, इसी के कारण से नहीं खरीदा। अब तो भूख लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं खाने के लिए। चलो हम देखते हैं, जल्दी पहुँच ही जाएंगे। ये देखो भाई, यहाँ पे खेतों में जो है ना, अभी गेहूँ बोया गया है, देख रहे हो। पहुंचने ही वाले हैं अभी शंघाई, बस 5-10 मिनट और। तो पास में लोग तो निकल भी रहे हैं, देखो दरवाजे के पास फाइनली पहुंच गए लोग। ये देखो भाई, सामने चाइना का जो है बुलेट ट्रेन, तो इसी में हम लोग अभी बीजिंग से शंघाई आए हैं, देख रहे हो। हेलो दोस्तों, यार यहाँ पे सामने तो देख रहा हूँ बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन रहता है ना, वो भी एकदम क्लीन रहता है, साफ सुथरा यार, बड़ा मस्त। दिखाता हूँ सामने, ये देख रहा हूँ यहाँ का जो है रेलवे स्टेशन, तो एकदम हमारे यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन नहीं रहता है वैसा दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा क्लीन, इधर हरा भरा लगा हुआ है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, देख रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे अपना आईडी दिखाना पड़ेगा, फिर बाहर जा सकते हैं। ये देखो सामने चेकिंग हो रहा है।
और जो फॉरनर रहते हैं उसका ज़्यादा कुछ चेकिंग नहीं करते हैं, पासपोर्ट देखते हैं फिर अंदर जा बाहर आने दे देते हैं आसानी से। चाइनीज रहते हैं तो उसके आईडी का स्कैन वगैरह करते हैं लोग। ये देखो भाई शंघाई का व्यू देख रहे हो ऐसा। तो अभी फिलहाल भाई हमें यहाँ से टैक्सी लेना है फिर जाना है। देखो टैक्सी के लिए भी लंबी लाइन लगी पड़ी है अभी। और अब हम लोग जा रहे हैं होटल। होटल चलते चलते आप लोगों को चलो यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ, बड़ा मस्त व्यू होगा। फाइनली अब हम लोग पहुंच गए जहां पर पहुंचना था। तो ये हमारा रूम है भाई, देख रहे हो ऐसा छोटा सा है रूम और बड़ा अच्छा भी है ये। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हमें जो है लंच भी करना है, नाश्ता तो किया नहीं था। सो लेट्स गो। तो ऐसा ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसी बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं। तो समझो ये एक बहुत बड़ा समझो विला जैसा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे घर वगैरह हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने रहने के लिए बना रखा है। तो चलो भाई हमारा कार आ गया, अब हम लोग जा रहे हैं फिर से यहाँ का शंघाई का जो टावर है उधर जा रहे हैं, उधर ही हम लोग करेंगे सीधे लंच और उधर ही घूमेंगे आज, वहाँ बड़ा मस्त व्यू रहता है। चलो आप लोग भी देख लीजिएगा, बड़ा मस्त लगेगा। सो लेट्स गो। यहाँ जो है ना शंघाई का देख रहा हो, पेड़ पौधे जो है हरे हरे हैं, इसके पत्ते जो है ना अभी झड़े नहीं है। बीजिंग में तो सारे पत्ते झड़ गए थे क्योंकि शंघाई में थोड़ा ठंडी कम लगती है, बीजिंग में बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। तो बीजिंग के जो पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं ना वो झड़ गए हैं, यहाँ तो हरा भरा है पेड़ पौधे। अब हम लोग आए हैं यहाँ के सबवे में, मतलब मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर भी लोग हैं, अभी लोग वेटिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी ट्रेन का, मेट्रो का। आप लोग यहाँ का मेट्रो भी देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग बैठे हैं यहाँ शंघाई के मेट्रो में। यहाँ शंघाई और बीजिंग का मेट्रो जो है ना एक जैसा ही है, और यहाँ का जो मेट्रो है ना और दिल्ली का मेट्रो एक जैसा ही समझो, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वैसे ही है सिस्टम। अभी अभी मैं ट्रेन से नीचे उतरे हैं, देख रहा हूँ उधर नीचे ट्रेन है। तो अब जा रहे हैं, अब हैं हमें फिलहाल तो पहले लंच करना है, उसके बाद देखते हैं घूमना फिरना है। और आज मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है शंघाई का, तो उसके साथ, वो शंघाई के बारे में ज़्यादा अच्छा जानता है, तो उसके साथ घूमना है अभी इधर का जगह। पर भी थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ है, देख रहे हो लोग ज़्यादा हैं। चेपरमा अच्छा, तो पीछे देख रहे हो भाई, ये है शंघाई का टावर, बहुत फेमस है, इसमें अभी बाद में जाएंगे, पहले फिलहाल इधर चलते हैं। तो यार यहाँ से जो है ना व्यू बड़ा मस्त है, बड़ा गजब का है। ये देखो भाई शंघाई का यहाँ का व्यू ऐसा है इधर का। ये आ गए अब हम लोग खाने के लिए यहाँ पे, देखते हैं क्या कुछ है। ये देखो भाई यहाँ पे बना रहे हैं क्या। तो यहाँ पर जो है ना ये वाले जो है रेस्टोरेंट बहुत फेमस है शंघाई में, तो यहीं पे खाने के लिए आए हैं। ये देख रहे हो भाई ये क्या है, ये तो मेरे भी समझ के बाहर है, ये तो हमारे यहाँ जो गोलगप्पा नहीं रहते उसी के जैसा दिख रहा है। हमारा लंच तो हो गया कंप्लीट। तो फिर अब यहाँ पे घूमते फिरते हैं। ये देखो भाई हमारे साथ अभी राज भाई, हेलो राज भाई आ गए हैं साथ में, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है पार्ट टाइम ट्रेवलर चाइना, इसके नाम से यूट्यूब चैनल आप सर्च करके देख सकते हैं।
तो ये भाई जो है संघाई में रहते हैं, यहीं पे जॉब करते हैं आईटी में। ओके तो चलो फिलहाल अभी घूमते हैं, उसकी बात तो होती रहेगी फिर।